शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब ये नया रायता फैल गया, दोनों भाई में मेल मिलाप हो रहा है। हमको समझ में नहीं आता हमारी सारी चाल उल्टी कैसे पड़ जाती है। बाबा को बचा लीजिए। आज दोनों भाई गले मिले हैं, कल को ये भाईचारा हमारे गले की हड्डी भी बन सकता है। भानु जी ने केशव को माफ कर दिया तो लाइए, सर में थोड़ा तेल लगाते हैं। नहीं रहने दो। हाय, पूरे हवेली का जिम्मा लेके बैठे हुए हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। अपने लिए ना रखिए, हमारे लिए रख लिया करिए। क्या सोच रहे हैं? हमें नहीं बताएंगे? बताइए, मन हल्का हो जाएगा आपका। पता है हमें आपको अपने भाइयों की बहुत चिंता है। हमको पता है कि आप केशव को माफ कर सकते हैं, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी गलती हो। और हम आपसे सच कह रहे हैं, मन में बोझ मत रखिएगा। अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है, हम आपके फैसले के साथ हैं। तो क्या हुआ? उसने भाभी के रिश्ते का अनादर किया है, इज्जत नहीं रखी, मान ना रखा हो। पर हम उसको देवर नहीं मानते थे, छोटा भाई मानते थे। हम बड़प्पन दिखाने से पीछे थोड़े हटेंगे। हम सच कह रहे हैं भानु जी, आप अपने मन पे बोझ मत रखिएगा। आपको माफ करना है, माफ कर दीजिए। हम दो भाइयों के बीच में कभी नहीं आएंगे, हम आपके साथ हैं, माफ कर दीजिए। इस जीवन में तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। हटाओ इसे। इतना गुस्सा, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते। इससे पहले ये गुस्सा कम हो, इस आग को और ज्यादा भड़काना है, ताकि ये सारे मिलकर भी ना इसे बुझा ना पाए। आपसे कहा था ना कि जब भी हम माता रानी को याद करते हैं तो छट से हमारी बात सुन लेती। और देखा, हमने माता रानी को याद किया और उन्होंने छट से भानु ताऊ जी को भेज दिया और आप ठीक हो गए। भानु ताऊ जी ने आपको बचा लिया। हम तो घबरा ही गए थे, लेकिन बाबा मतलब बिल्कुल अड़े गए थे। यहाँ के गवाने को तैयार थे, लेकिन भानु ताऊ जी का भरोसा तोड़ने के लिए नहीं। बस कह रहे, हम अभी भी आपसे गुस्सा है। अच्छा, जरा इधर तो दिखो। अरे बाप रे बाप, इतना गल फुला रखा है। जरा लाओ, पचका दूँ। हाँ बेटा, सब ठीक हो गया है, देखा ना तुमने अपनी आंखों से।
कैसे भानु भैया ने हमें प्यार से गले लगाया था, हमें तो पूरा यकीन है कि वो हमें जरूर माफ कर देंगे। हमें भी। गलत फहमी मत पालो। तुमने ऐसा काम किया है कि उसकी कोई माफी नहीं है। माफ नहीं किया हम तुम्हें। मर रहे थे तुम। राह चलता कोई भी होता तो हम उस पर भी तरस खा जाते। तरस खाया है तुम पे हमने। माफी नहीं दी है भैया। बस दो दिन है तुम्हारे पास। दो दिन में अपनी बेगुनाही साबित कर देना। अगर दो दिन में तुमने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करी ना, चुपचाप यहां से तुम तीनों हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। समझे तुम? बाबा अब हम इन दो दिनों में कैसे साबित करेंगे? शर्मी कहां जा रही हो? रुपेश को क्या हुआ है? आजकल पता नहीं क्यों इतना अजीब सा बर्ताव कर रहा है। अंकुरी, रुपेश तुम कहाँ हो? हम कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहे हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? देखा नहीं। देखा नहीं मतलब? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? था कि तो जाना चाहिए था ना रुपेश। क्यों? हर बार बता के जाना जरूरी है क्या? आधे वक्त वो वीरेन सवाल जवाब करता है और अब तुम भी शुरू हो गई हो। गलती तो हमारी है ना, बावर्ची बन के आए थे, कैदी बन के रह गए यार। विश दम घुटता है हमारा पंखुड़ी। अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हम यहाँ पे। घुटता है मतलब? मैं फिकर हो रही थी तुम्हारी, इसलिए पूछ रहे थे। तो बस सब्जी लेने भी तुमसे पूछ के जाते? तो ठीक है, अगली बार से सब्जी तरकारी लेने भी तुम हमारे साथ चलना। बात करती हो? अंकुरी बुआ, ये रुपेश भैया को क्या हुआ? एकदम से इतना गुस्सा क्यों कर रहे? हमने तो कभी उनको ऐसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। सॉरी पंखुड़ी, सॉरी, लेकिन तुम हमसे नफरत करोगी तो हमें भूलना आसान होगा तुम्हारे लिए। रो मत पंखुड़ी बुआ, रो मत। वैसे भी दोस्तों में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है ना? अब रोइए मत। तुम्हें पता है श्रवणी, आज रुपेश का बर्थडे है। हम तो बस उसे विश करने आए थे, लेकिन वो रोइए मत। श्रवणी अब हम क्या करेंगे? चाची ने हमें बताया कि आज हमारे बाबा ने केशव चाचू को डांटा और उनसे ये भी कहा कि अब हमारे पास सिर्फ दो दिन बचे हैं। दो दिन में हम सबूत कैसे ढूंढेंगे? मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।